I know about history every places. Yeah. I drive you front of the temple. Okay. I can explain to you about the history, what happened before. Okay. So what's going on. Then if you go into the temple, take your time to rest. I don't make any rush. Take your how long you want to pass. हम्पी तुंग भद्रा नदी का तट तो दोस्तों हम अब आ चुके हैं हम्पी में और यहाँ पे है भगवान शंकर का सबसे बड़ा मंदिर और हमारे साथ हैं महाराज जी जो यहीं के मूल निवासी हैं। मारा जी ये क्या है, ये क्या थे? वही बोल रहा हूँ ना, ये पूरा हिमाल हीरे जवाहरात का ये मेला लगता था इधर। अच्छा, ये पूरा बाजार लगता था इधर। अच्छा, ये इधर ये पूरी हाट लगती थी इधर। खनन कर देंगे ना तो 100% निकलता इधर से बाहर। और भगवान रामचंद्र जी इसी रास्ते गए थे श्रीलंका की तरफ और काफी सारे टूरिस्ट लोग पहुँच रहे हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। तो देखिए आप मंदिर का प्रवेश द्वार काफ़ी खूबसूरत है और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, प्रवेश करने वाला हूं मैं। देखिए आप, और गजब का मंदिर है, काफ़ी सुंदर मंदिर है और ये मंदिर कर्नाटका में है और इस समय है ये हम्पी जगह है ना। कोई जिला कौन सा है? विजयनगर। विजयनगर जिला। कौन से मंदिर है यहाँ पे? शिव जी का कौन से, किस किस नाम से है? विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष शंकर भगवान जी का मंदिर है। दोस्तों देखिए आप, मैं प्रवेश कर चुका हूँ। ये देखिए दोस्तों आप, ये मेन प्रवेश द्वार है और कलाकृति आप देख सकते हैं, मैं आपको चारों तरफ दिखा रहा हूँ। देखिए जा रहे हैं आगे इनके सर, और ये है शंकर भगवान जी का मंदिर। विरूपाक्षी भगवान शंकर का नाम है और यहाँ पे फॉरेन से भी लोग पहुँचे हुए हैं। ये देखिए प्रवेश द्वार, हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये पहले पुराने रूम बने हुए हैं, ये प्राचीन रूम, प्राचीन कमरे। ऊपर किसका बनेगा? और धीरे धीरे हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये भी सभा मंडप है? हाँ रहेगा, हर जगह पे बना रहता है। वही बोल रहा, हर जगह बना रहेगा। कल्याण मंडप हम हर मंदिर में आपको मिलेगा। इधर की खासियत है, इधर की खासियत है मंदिर से पहले कल्याण मंडप बनते हैं। दूसरा प्रवेश द्वार आ चुका है और देखिए दोस्तों आप, नहीं देखेगा ना, थोड़ा इधर ये देखिए आप, बानर की सेना भी है, बंदर भी है, मजा कर रहे लंगूर लंगूर देखेगा नहीं देखेगा। और हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए आप, भगवान शंकर का मंदिर। काफी सारे टूरिस्ट लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों आप, कोई बोलने वाला नहीं। ये देखिए दोस्तों आप, काफी खूबसूरत है। ये लीजिए, पहले तो ये लीजिए और मैं आपको दिखाता हूँ 900 साल पुराना मंदिर। तो दोस्तों ये है 900 साल पुराना मंदिर दुर्गा जी का, महिषासुर मर्दिनी। दुर्गा माता है, 9th सेंचुरी टेंपल। अच्छा, राजा विष्णुवर्धन प्रतिष्ठापना करे। अच्छा, वो दुर्गा माता, ये लायन है ना, ओ राजा को सिंबल है। अच्छा, ये लायन है। हां लायन है, ये जो लायन है। अच्छा लायन, अच्छा लायन है, ऐसे उनका ये बोलते हैं व्हीकल बोलते हैं। अच्छा वाहन, माता जी का वाहन है और उनका सिंबल है, महाराजा का सिंबल है। वहाँ पे देवी माता रहती है। अच्छा अच्छा, आरती ले, आरती ले। कितने का दिया डब्बा? 30 रुपया भैया बोले। डब्बा वापस करने का बहुत डेंजरस है,
बहुत डेंजरस है। ये देखिए आप, एक झटके में तो खाली कर देते, पूरा खाली कर देते। एक झटके में देखो खाली हो जाएगा इधर। और हम जा रहे हैं आगे दोस्तों, मुझे तो पता नहीं है कहाँ पे क्या है, पर फिर भी मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये है तुंगभद्रा नदी, देखिए आप। हाँ, और काफ़ी सारे यहाँ पे टूरिस्ट, तीर्थयात्री, श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं और तुंगभद्रा नदी में स्नान कर रहे हैं। तो आपको ले चलते हैं आगे। मार के उल्टी भरी है, उल्टी भरी है, उल्टी भरी है। मैं मारवाड़ में गया। अच्छा, मैं किस कंधे आई हूँ? कल मैं तुंगभद्रा नदी। और यहीं पे गौकर्ण जी ने कथा सुनाई थी श्री भागवत जी की। देखिए काफ़ी सारे टूरिस्ट लोग पहुँचे हुए हैं और आपको ले चलता हूँ आगे। फॉरेन से भी लोग काफ़ी पहुँचे हुए हैं, विदेशी लोग पहुँचे हुए हैं, अंग्रेज आए हुए हैं यहाँ। और आगे दिखाता हूँ मैं आपको। जल क्रीड़ा कर रहे हैं एलिफेंट। हाँ, जल क्रीड़ा कर रहे हैं। सवारी कराएगा ये? नहीं कराएगा, ठोकेगा पकड़ के। केला लेके आए तो सवारी कराता है, है? केला खिलाना पड़ता है इसको। हम्पी तुंगभद्रा नदी का तट। विरूपाक्ष तीर्थ